हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज और इसमें हम लोग 2019 के पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फुल रिवीजन सेशन। इसमें आपका 17 पार्ट्स हो चुका है और आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 18। तो प्रीवियस पार्ट्स जो भी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेलिस्ट से निकाल के सारे को देखो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको टॉप 100 या टॉप 150 क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। देखो, टॉप 100 और टॉप 150 क्वेश्चंस उनके लिए होते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है बहुत कुछ। ठीक है, यानी मेन मेन क्वेश्चन वो लोग रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में मैं 200-250 क्वेश्चन लाऊंगा रिविजन के तौर पर। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन पूरे साल का यहाँ पे बेस्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो मैंने इंक्लूड करने का कोशिश किया है। तो आप अगर आज पहली बार देख रहे हो तो जाओ प्लेलिस्ट से निकाल के पुराने सारे वीडियोस को भी एक एक करके देख लेना, और जिसने देखा भी है वो भी एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। ठीक है, डाउनलोड करके रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि उमराव जान बाजार कभी कभी जैसी फिल्मों के लिए गीतों की धुन बनाने वाले संगीतकार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपको नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस फील्ड से हैं। तो ये संगीतकार हैं जो धुन बनाते थे और उमराव जान बाजार कभी कभी ऐसे फिल्मों के लिए उन्होंने धुन बनाया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोहम्मद जहूर। ठीक है, मोहम्मद जहूर खय्याम। ठीक है, मोहम्मद जहूर खय्याम उनका नाम है जिसने धुन बनाया है उमराव जान बाजार कभी कभी जैसे फिल्मों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कहां पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कहां किया गया है। ये कहां किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। भारत की पहली केमिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, जल्दी बताओ। तो इसकी स्थापना इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में भी अजीब लग रहा था। तो भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में की जाएगी पहली भारत की केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवानिवृत्ति आयु क्या होगी। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवानिवृत्ति अब होगी 60 वर्ष। कितनी आयु पे होगी इनकी सेवानिवृत्ति? 60 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के जिस ग्लेशियर ने अपनी पहचान खो दी है, ठीक है, पहचान क्या की है, खो दी है, उसका नाम क्या है। तो आपको ये बताना है आइसलैंड के उस ग्लेशियर का नाम जिसने जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी पहचान ही खो दी है, यानी अब वो ग्लेशियर नहीं कहलाएगा। तो वो कौन सा ग्लेशियर है? वो है, आता है आप सभी को तो कमेंट करो, ओकजो कुल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओकजो कुल। ठीक है, ओकजो कुल उसका नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ओकजो कुल ग्लेशियर कहाँ अवस्थित था। तो ये आइसलैंड का एक ग्लेशियर था, ठीक है, जिसने अपनी पहचान खो दी है। किस कारण से? जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को हर वर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ। अभी हाल ही में यानी 2019 में ही 83 वर्ष की उम्र में बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो बिल्कुल सही, उनका नाम था डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्रा। ठीक है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हुए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए, और इनका भी निधन हो गया।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला वर्चुअल न्यायालय शुरू किया वो कौन है, किस शहर में, किसने? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपना पहला वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल न्यायालय शुरू किया, तो किस जगह पे किया ये आपको बताना है। ये क्या है, फरीदाबाद में। कहाँ किया है? फरीदाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला? तो किसको मिला? ये मिला दीपा मलिक, ठीक है, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप याद रखना, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इन दोनों को क्या मिला? राजीव गांधी खेल रत्न। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में मांगदेचू पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? क्या है पनबिजली संयंत्र का नाम? मांगदेचू पनबिजली संयंत्र। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मांगदेचू पनबिजली संयंत्र कहाँ है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये कहाँ है? ये है भूटान में। कहाँ है? भूटान में है मांगदेचू पनबिजली संयंत्र। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बीवी चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बीवी, ये अलग है, वी अलग है, ये वी अलग है, ठीक है। बीवी चंद्रशेखर का अभी हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? सॉरी मैंने यहाँ पे खेल बोल दिया, तो ये खिलाड़ी थे, ठीक है, और ये क्रिकेट से संबंधित थे, ठीक है, किससे संबंधित थे? क्रिकेट से, ये क्रिकेटर थे, इंडियन प्लेयर थे, ये भी आप लिख लो, नाम से भी लग रहा है आपको इंडियन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इसरो के चेयरमैन के सिवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? के सिवन को किया गया। आपको यह बताना है किस राज्य ने उनको यह पुरस्कार दिया, यह है तमिलनाडु, ठीक है, किसने दिया? तमिलनाडु ने। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। किसको? तो के सिवन को, ठीक है। के सिवन कौन है? यह है इसरो के चेयरमैन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के मन में देश के प्रति प्रेम जगाने हेतु अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूल में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको यह बताना है किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है। यह किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है? यानी एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो लेकिन बहुत ही कम लागत पर। वो कौन सा IIT कॉलेज है? वो है IIT खड़गपुर, ठीक है। कौन सा है? IIT खड़गपुर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ होगा न्यूज में हर जगह। कौन है ये? ये है अभिनंदन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन। इनका पूरा नाम क्या है? वर्धमान, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अभिनंदन वर्धमान। इनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस किस दिन मनाया गया? ये फेमस था इस बार, ठीक है, ये है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को ही हम लोगों ने इस बार संस्कृत दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने शहरों को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में विकसित करने का योजना प्रस्तुत किया है? सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में विकसित करने का योजना प्रस्तुत किया है कितने शहरों को? तो टोटल 6 शहर है, ठीक है, टोटल 6 शहर है। कौन कौन सा है? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद। नाम आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या हो गया? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी, ठीक है, का निर्माण किया है? क्या है? रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी। अभी तक आप लिथियम बेस्ड बैटरी जनरली यूज करते हो, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या बनाया गया है, हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी, बस इस पर ध्यान देना है आपको। यह किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है, तो यह है आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने यह बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, तो गोगा बिल अभयारण्य ये कहाँ है ये आपको बताना है। गोगा बिल कहाँ है, यह बिहार में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सेट में आपका आया हुआ है पहले भी क्वेश्चन। तो गोगाबिल बिहार में है और इसको पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले किस देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया था, एक देशभक्ति गीत है उसका नाम आपको बताना है जिसको 15 अगस्त से पहले रिलीज किया गया था, किसके द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। क्या नाम है उसका, उसका नाम है वतन, ठीक है, वतन नाम का एक देशभक्ति गीत 15 अगस्त से पहले रिलीज किया गया था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वतन को किसने रिलीज किया, तो वहां पे आपको कन्फ्यूजन होगा, आप कोई भी मार दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार किसने जीता, डूडल फॉर गूगल 2019 का प्रतियोगिता किसने जीता, जल्दी बताओ अगर आता है आपको तो। ये है अरंट जा, क्या नाम है इनका, इनका नाम है अरंट जा पाना पोपो, ठीक है, अरंट जा पाना पोपो, इन्होंने डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को लॉन्च किया गया, उसके साथ ही एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, उस मोबाइल ऐप का नाम आपको बताना है। क्या नाम है उस मोबाइल ऐप का, उसका नाम है स्वच्छ नगर ऐप, ठीक है, स्वच्छ नगर ऐप, क्या है नाम, स्वच्छ नगर ऐप, ठीक है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, ये ध्यान रखना, ये 19 नहीं है, 19 का तो अब रिपोर्ट आ गया, 2020 जो लॉन्च किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण, उसके साथ स्वच्छ नगर ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने 9 साल की लड़की एलंग बम वेलेंटिना, ठीक है, क्या नाम है, एलंग बम वेलेंटिना, ठीक है, एलंग बम नहीं बाम है, ठीक है, एलंग बम वेलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है, उसका नाम बताएं, किस राज्य में एलंग बम वेलेंटिना को वहां का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो कौन सा राज्य है वो राज्य है मणिपुर, ठीक है, कौन सा राज्य है, मणिपुर राज्य में, ठीक है। अच्छा, ये एलंग बाम है कौन, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये एक लड़की थी, ठीक है, छोटी सी बच्ची है, तो कहीं पे शायद ये जा रही थी, तो रास्ते में पेड़ कट रहा था, तो ये बहुत रोने लगी, ठीक है, तो ये एक वीडियो बना लिया किसी ने, उसके बाद फिर इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो ये वायरल हो गया, तो फिर सरकार ने देखा, तो उनको लगा कि नेचर के प्रति इस बच्ची के दिल में इतना प्रेम है, तो ये बिल्कुल सही और रियल है, ठीक है, इस कारण से सरकार ने भी थोड़ा सा अपना पहल किया और इनको बना दिया ग्रीन एम्बेसडर, ठीक है, तो याद रखना एलंग बाम वेलेंटिना नाम था उस बच्ची का। अगला क्वेश्चन है, जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है, जल संकट का अगर बात करें तो अगर टॉप 70 देश लें जहां पे जल का प्रॉब्लम है, जल संकट इन फ्यूचर हो सकता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 13वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है, यानी स्क्रैप्स जो भी होते हैं उसके आयात करने के रिकॉर्ड में दक्षिण कोरिया को पछाड़कर कौन दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है स्क्रैप का, कौन सा देश है वो देश है इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, चलिए बताओ अगर आता है तो, किसको नियुक्त किया गया है, यह चंद्रमा शाह, क्या नाम है इनका, इनका नाम है चंद्रमा शाह, ठीक है, चंद्रमा शाह को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत राज्यों में 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है? किस योजना के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 5,595 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की मंजूरी दे दी है और यह उसका दूसरा चरण है। ठीक है, तो कौन सा योजना है वो है फेम योजना। कौन सा योजना है? फेम योजना। ठीक है, और फेम योजना के तहत आपको फेम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को आता है तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ फेम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ। फेम योजना के तहत जो 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की गई है उस फेम का फुल फॉर्म, तो फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर, ठीक है, एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, क्या होता है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की मंजूरी दी गई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ये किसके द्वारा किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, देखो ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने इसको लॉन्च किया, तो ये, और बहुत बार लोग मार देते हैं, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार देंगे, या यहाँ पे जैसे मोबाइल ऐप है तो सूचना विभाग मार देते हैं, दूरसंचार विभाग मार देते हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉन्च किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसानों के लिए लॉन्च किया गया। नाम क्या है? नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। ठीक है, मेघदूत एक ऐप है जो किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने का निर्णय किया है? प्राइवेट सेक्टर, उस राज्य में जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या जो भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब है उसमें से 75% जॉब वहां के स्थानीय लोगों को ही दिया जाएगा, ऐसा फैसला किस राज्य ने लिया है? किस राज्य ने लिया है ऐसा फैसला? यह लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा यह फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध में पानी छोड़ने को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद हो गया था? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, दो राज्य है, कौन सा वो दो राज्य है? कौन सा दो राज्य है वो है एमपी और गुजरात। ठीक है, एमपी और गुजरात के बीच में सरदार सरोवर बांध में पानी छोड़ने को लेकर विवाद अभी हाल ही में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किस नाम से पुस्तक लॉन्च किया गया? एम वेंकैया नायडू, इनके उपराष्ट्रपति पद पर होने से 2 वर्ष पूरा हो गया और इस अवसर पर एक बुक लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग लर्निंग, ठीक है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। क्लियर है, बुक का नाम लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये बुक है, इस नाम से एक बुक पब्लिश किया गया है वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य में चालू किया गया है? मुख्यमंत्री मदद योजना ये किसके लिए है? तो जनजातीय परिवार के लिए है, अगर उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी का डेथ हो जाता है तो उनको सहायता देने के लिए उसमें अनाज वगैरह दिए जाएंगे, बर्तन वगैरह दिए जाएंगे, तो इस चीज के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना का शुरुआत किया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये मुख्यमंत्री मदद योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है, कहाँ किया गया है? ये किया गया है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की जाएगी? तो मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया, ठीक है, और इसके तहत ये तय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष जो भी दंड शुल्क है, जो भी टैक्स सॉरी फाइन किया जाता है, ठीक है, मोटर वाहनों से रिलेटेड, उसमें प्रत्येक वर्ष 10% का इंक्रीमेंट होगा।
कितना होगा 10% का। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मी और अब इंग्लैंड में बस चुकी वह शख्स जिसे मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब दिया गया, मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब किसको दिया गया है, किसको दिया गया है, यह दिया गया है भाषा मुखर्जी को, ठीक है, भाषा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार पर सेलिब्रिटीज पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जाएगा, यानी अगर कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो भ्रामक उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज पर उन पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है अधिकतम, तो अधिकतम है 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म मेकर और ऋतिक रोशन के नाना जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जे ओम प्रकाश, ठीक है, क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका की खेलों में सबसे अधिक भुगतान वाली महिला की सूची में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, अगर महिलाओं में बात करें यानी खेल खिलाड़ियों में बात करें महिला खिलाड़ी में सबसे अधिक किसको भुगतान हुआ है 2019 में, कौन सी खिलाड़ी है वो है सेरेना विलियम्स, ठीक है, क्या नाम है उनका, सेरेना विलियम्स, क्लियर है, सेरेना विलियम्स सबसे अधिक भुगतान की जाने वाली खिलाड़ी बनी है 2019 में, किसके द्वारा, यह भी आपको याद रखना है, यह है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा किस सुपर अर्थ की खोज की गई है, ठीक है, एक हेवनली बॉडीज का खोज किया गया जिसको नाम दिया गया सुपर अर्थ, और ये खोजा किसने, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जो नासा का है उसने, उसको नाम दिया गया है GJ-357, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो गेम का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय वायुसेना ने वीडियो गेम लॉन्च किया है, ठीक है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है, उसका नाम है इंडियन एयरफोर्स, एयर फोर्स, और भी है, चलो थोड़ा सा बड़ा है मैं फिर से इसको लिखता हूं, इसका नाम है इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इकट एवव, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इकट एवव, ठीक है, इकट एवव याद रखना आप, तो क्या नाम है उस वीडियो गेम का, इंडियन एयरफोर्स इकट एवव, यह है उस वीडियो गेम का नाम जो भारतीय वायुसेना ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वह पूर्व खिलाड़ी कौन है जिसे BCCI के एथिक्स ऑफिसर ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस भेजा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस किसको भेजा गया था, तो कौन है वो है राहुल द्रविड़, क्या नाम है उनका, राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़। और अभी BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन है, देखो यहाँ पे एथिक्स ऑफिसर के जगह पे 2-3 चीज आपको मिल सकता है, अगर दूसरा टर्म में इसको देखें तो आपको BCCI का लोकपाल पूछा जा सकता है, ठीक है, और हिंदी में एथिक्स ऑफिसर का क्या हुआ, हिंदी क्या हुआ इसका, हिंदी में भूल गया हूँ, ठीक है, लेकिन आप देख लेना वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है, तो एथिक्स ऑफिसर याद रखो कौन है, DK जैन है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसे अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर देश घोषित किया है, अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर देश किसको घोषित किया है, कौन सा देश है वो देश है अपना पड़ोसी देश चाइना, ठीक है, इसको करेंसी मैनिपुलेटर देश घोषित किया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह है कर्नाटक में, ठीक है, क्या है नाम इसका, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, उस स्वीडिश एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जिसकी भारत के सभी विश्वविद्यालयों को 1 सितंबर 2019 से सदस्यता मिल गई, ठीक है, आपको एक एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो स्वीडन में निर्मित है,
ठीक है, क्या है नाम उसका? उसका नाम है उरकुंड। क्या नाम है? उरकुंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है उरकुंड क्या है। तो उरकुंड एक एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। क्या है? एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। और इसकी सदस्यता भारत के सभी विश्वविद्यालयों को मिल गया 1 सितंबर से। क्लियर है? और ये कहाँ की कंपनी है, ये कहाँ की सॉफ्टवेयर है? ये है स्वीडिश, यानी स्वीडन की। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण को लगभग 36 साल पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला है। लगभग 36 साल पहले की ग्रामीण बस्ती का पता कहाँ चला है? यह चला है ओडिशा में। कहाँ चला है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया गया। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, यह है आर्टिकल 370, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, वह उत्पाद जिसे हाल ही में BIS प्रमाण पत्र दिया गया है, BIS प्रमाण पत्र किस उत्पाद को दिया गया है? यह दिया गया है पश्मीना ऊन को। किसको दिया गया है? पश्मीना उत्पाद को, ठीक है, पश्मीना उनसे जो भी उत्पाद है, उसका जो भी उत्पादित चीजें हैं, उसको BIS प्रमाण पत्र अभी हाल ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? संकल्प योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये क्या गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किसने? कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। इसने कौन सा योजना शुरू किया है? ये क्या है? संकल्प योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत कितने लोगों को स्कैन किया जाएगा? क्या है? ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट घोषित किया है, इसके तहत लगभग 20,000 लोगों को स्कैन किया जाएगा। कितने लोगों को? 20,000 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जिसने वारसा में खेली गई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? कहाँ खेली गई? वारसा में। वारसा में खेली गई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? विनेश फोगाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की आरंभ की गई है? इंपॉर्टेंट है, यहां से ये याद रखना, किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने। किस चीज के लिए किया है? तो शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और क्या है नाम उसका, जल्दी बताओ, अगर आप लोगों को आता है तो। क्या है नाम, जल्दी बताओ? उसका नाम है समर्थ, ठीक है, उसका नाम है समर्थ। आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है, पर आप लोगों को बहुत कम चीजें याद है, ठीक है। देखो एग्जाम में यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है ना, याद आपको बहुत कम चीजें रहती है, ठीक है। इस कारण से आप चार ऑप्शन देकर कंफ्यूज जाते हो कि क्या होगा आंसर, और आप गलत मार के आ जाते हो, ठीक है। एग्जाम में बेस्ट पॉलिसी ये है कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। अगर 100 में से आप 80 भी करेक्ट बना के आते हो, और अगर आपने 70 सही बनाया है और 20 गलत बना दिया और 90 अटेम्प्ट करके आते हो, तो क्या फायदा है, ठीक है। तो जितना सही हो उतना अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, ठीक है, तुक्का लगाने की कोशिश मत करो। इसीलिए मैंने ये वन लाइनर फॉर्म में लाया हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़े, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको यहाँ पे याद करने में हेल्प मिलता है। अगर दिमाग में आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ से याद कर लो, ठीक है। याद करने में ये हेल्पफुल है, दोबारा जब देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद होंगे, ठीक है। और चार ऑप्शन में से क्या होता है ना, हमेशा पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप जाके स्टिक कर जाते हो, और आप ABC में AB पे मारते हो, और आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे क्या था, फ्लिपकार्ट के द्वारा शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाया गया जिसका नाम था समर्थ, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स सीरीज में आया, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो यार। बीच में वो बोलता नहीं हूँ तो आप लोग करते नहीं हो, बीच में मैं बोलता जानबूझ के नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फोकस रहता है आपके पढ़ाई पर, ये सब चीज़ों पर नहीं। ये सब तो आप लोग खुद देख लोगे, आप लोग खुद इसमें इतने स्मार्ट हो, आप लोग खुद देख लोगे, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन उससे पहले अगर
कोई फ्रेंड आपका जिसने भी नहीं पढ़ा है या जो अभी तक हम लोगों के साथ नहीं जुड़ा है, हमारे इस परिवार में नहीं जुड़ा है, तो आप उसको शेयर कर दो और जोड़ दो, ठीक है, ताकि सबको मिलकर हम लोग पढ़ सकें। क्लियर है? चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।